इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विच गियर है जिसको हम बोलते हैं एचटी पैनल। इसके बिना आपके घर पे सप्लाई नहीं आ सकती, किसी फैक्ट्री में सप्लाई नहीं पहुंच सकती, चाहे वो सब स्टेशन हो, चाहे वो आपके रेजिडेंशियल कॉलोनी में हो या फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज़ में ये एचटी पैनल्स इंस्टॉल्ड किए जाते हैं। जहाँ पर लोड ज़्यादा होता है वहाँ पर आपके एचटी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, फिर जहाँ पर लोड कम होता है वहाँ पर आपके एलटी पैनल इंस्टॉल किए जाते हैं। मतलब जो सप्लाई होती है हमारी एचटी पैनल के थ्रू हमारे एलटी पैनल्स में जाती है। और आज हम इस वीडियो में अच्छे से एचटी पैनल के बारे में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि हम टॉपिक पे और ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस जो हैं अच्छे होते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एचटी पैनल। देखिए एचटी पैनल एक मेटल का इनक्लोज बॉडी होती है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लग करके वो एचटी पैनल बनाया जाता है। एचटी पैनल का मेन काम होता है सप्लाई को रिसीव करना और आगे डिस्ट्रीब्यूट करना डिपेंडिंग अपॉन द आउटगोइंग फीडर्स। आउटगोइंग फीडर कितने हैं वो डिपेंड करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। अगर आपके यहाँ दो ट्रांसफार्मर है उसके दो आउटगोइंग फीडर होंगे, उसके बाद जो भी आगे सप्लाई देनी है या फिर आपके और कितने एचटी मोटर्स यूज़ कर रहे हैं वो आपके आउटगोइंग फीडर्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एचटी पैनल एंड एलटी पैनल। देखिए जो एचटी पैनल होते हैं वो बेसिकली हमारे काम करते हैं 11 kV 33 kV पे, जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, और इसमें VCB SF6 ब्रेकर्स यूज़ करते हैं। लेकिन इनमें भी अगर हम देखें तो VCB ज़्यादा यूज़ होते हैं। VCB मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे देख सकते हैं। एलटी पैनल वो होते हैं जो मोस्टली हमारे 440 वोल्ट पे काम करते हैं, मतलब कि 1000 वोल्ट से नीचे हमारा एलटी कहलाता है। तो एलटी पैनल होते हैं जो 440 वोल्ट पे काम करते हैं, या फिर 690 वोल्ट पे भी आते हैं एलटी पैनल्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्पेशल केस होता है। और एचटी पैनल्स हमारे ज़्यादातर 6.6 kV 11 kV और 33 kV हमारे एचटी पैनल्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एचटी पैनल। देखिए बेसिक फंक्शंस जो होते हैं वो एचटी पैनल के होते हैं, मेक एंड ब्रेक ऑफ सप्लाई, मतलब कि जो सप्लाई हमारी इनकमिंग आती है और आउटगोइंग जाती है, ये हमारा कॉन्टैक्ट्स बनते हैं सर्किट ब्रेकर में। मेन इक्विपमेंट होता है हमारे एचटी पैनल का सर्किट ब्रेकर, और सर्किट सप्लाई को रिसीव करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है आगे। नेक्स्ट है ये जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं या फिर एचटी पैनल्स होते हैं, इसमें जो बहुत सारी रिलेज लगी होती हैं अलग अलग टाइप की, ये प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट फॉल्ट्स। और फॉल्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, ओवर करंट होता है, अर्थ फॉल्ट होता है, अनबैलेंस होता है। एचटी पैनल्स एक कंप्लीट पैकेज है जिसकी वजह से हम अपनी एचटी सप्लाई को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी वरी। एक इसका मेन फंक्शन होता है मीटरिंग का। देखिए मीटरिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा लोड कितना चल रहा है सिस्टम में वो हमारा यहाँ पे जो मल्टी फंक्शन मीटर लगे होते हैं उसके थ्रू हमें पता चलता रहता है, तो मीटरिंग भी इसका एक मेन फंक्शन है। क्वेश्चन पे जिसको जानने के बाद आपको एचटी पैनल की पूरी नॉलेज होगी, और वो है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एचटी पैनल्स। देखिए एचटी पैनल में सबसे मेन कंपोनेंट जैसा कि अभी बताया वो है सर्किट ब्रेकर, हर्ट ऑफ द एचटी पैनल। दूसरा हमारा रिलेज जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तीसरा हमारा एनर्जी मीटर मीटरिंग में काम आते हैं, CTPT इंडिकेशंस, मास्टर स्ट्रिप सप्लाई, TCS रिले, सेलेक्टर स्विचेस, एनन्शिएटर, TNC स्विच, एमरजेंसी स्विच। अब इनको हम वन बाय वन समझेंगे। देखिए ये है पूरा सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर में ये जो ऊपर लगे हैं वन बाय वन देखते हैं इसको, ये हमारे इंडिकेशंस सप्लाई इंडिकेशंस RYB जो कनेक्टेड है यहाँ पर। फिर हमारी जो ये लगी हुई है रिले, इसको हम बोलते हैं ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले, ओके। फिर हमारा ब्रेकर ऑन ऑफ के इंडिकेशंस भी होते हैं यहाँ पर, जब ब्रेकर हमारा ऑन होता है ऑफ होता है उसके भी इंडिकेशंस होते हैं। एक हमारा एनर्जी मीटर लगा होता है, एक हमारा मल्टी फंक्शन मीटर लगा होता है। फिर हमारे यहाँ पर टेस्ट एक्सेप्ट और रीसेट बटन भी लगा होता है। अगर एनिशिएटर आपका साउंड कर रहा है या फिर कुछ कमांड दिया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर रीसेट करना पड़ता है। और फिर हमारा इमरजेंसी पुश बटन लगा हुआ है, एक वोल्टेज सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है जिसकी वजह से हमारे वोल्ट मीटर में सप्लाई आती है। DC फेल इंडिकेटर है यहाँ पर इंडिकेशन में ही है। ट्रिप सर्किट हेल्दी है या नहीं है वो भी पता चलता है इंडिकेशन से ही।
स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं है वो भी इंडिकेशन से पता चलता है। ट्रिप इंडिकेटर लगे होते हैं, मास्टर ट्रिप रिले होती है जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है आगे समझेंगे, एनन्शिएटर पैनल होता है एक छोटा सा, ओके, एमरजेंसी पुश बटन अभी समझ ही लिया है, एक होता है हमारा टीएनसी स्विच। टीएनसी स्विच मतलब कि ट्रिप, न्यूट्रल पोजीशन और क्लोज पोजीशन, और ये है हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब देखिए सर्किट ब्रेकर के ऊपर बात करते हैं पहले। ये जो सर्किट ब्रेकर होता है वो ज़्यादातर हमारे वैक्यूम ही यूज़ किए जाते हैं हमारे एचटी पैनल में, अगर हमारी 11 kV 33 kV सप्लाई की अगर हम बात करें तो। ऑटो और मैनुअल में दोनों में स्टार्ट कर सकते हैं हम, हमारा सप्लाई को रिसीव करता है और आगे जो है आउटगोइंग फीडर्स में सेंड करता है। सर्किट ब्रेकर का काम इतना ही है सिर्फ। और ये जो है ट्रिप करता है डिपेंडिंग अपॉन द कमांड गिवन बाय द रिले, मतलब कि जो रिलेज होती हैं वो सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल को कमांड देती हैं। इसमें 3 कॉइल्स होती हैं हमारी, ट्रिप कॉइल, फर्स्ट ट्रिप सर्किट, सेकंड ट्रिप सर्किट। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप कमेंट कीजिए, इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप होकर के हमारे इक्विपमेंट को आगे सेव करता है, जो हमने आगे एचटी मोटर लगाई है उसको या फिर ट्रांसफार्मर है उसको बचाता है। रिलेज, रिलेज का जैसा कि अभी बताया मेन काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट फॉल्ट्स। अब देखिए फॉल्ट्स बहुत तरीके के होते हैं हमारे एचटी सप्लाई में, वैसे तो एलटी सप्लाई में भी होते हैं लेकिन एचटी सप्लाई में बहुत टाइप के हमारे फॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि ओवर करंट फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, अनबैलेंस हो गया, अंडर वोल्टेज हो गया, ओवर वोल्टेज हो गया, डिफरेंशियल हो गया, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट हो गया। एक वीडियो बनाई हुई है रिलेज के ऊपर, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो रिलेज का इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारा इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है आपका मल्टी फंक्शन एनर्जी मीटर्स, लगे होते हैं हमारे एनर्जी मीटर्स, मल्टी फंक्शन मीटर होते हैं, वोल्टेज के लिए होता है, करंट के लिए होता है, अलग अलग सेपरेट लगा सकते हैं। और ये मल्टी फंक्शन मीटर में हमारा किलोवाट, केवीए, केवीएएच, पावर फैक्टर, वोल्टेज, करंट सब बताता है। तो कुल मिला के जो हमारे पैरामीटर्स चल रहे होते हैं हमारे लोड में, जो भी हमारे पैरामीटर्स चल रहे होते हैं हमारे सिस्टम में उस टाइम पे, तो ये प्रेजेंट में ऑनलाइन आपके सारे पैरामीटर्स को शो करता है मल्टी फंक्शन मीटर। ना केवल शो करता है, ये हमारे सिस्टम में आगे रिकॉर्ड का भी काम करता है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है सीटी और पीटी। सीटी और पीटी पे भी एक कम्प्लीट वीडियो है, आप चाहे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और इसका काम होते हैं दो, सीटी के भी दो काम होते हैं, पीटी के भी दो काम होते हैं। पहला काम होता है हमारा मीटरिंग का और दूसरा काम होता है प्रोटेक्शन का। देखिए दो टाइप के हमारे सीटी होते हैं, एक होता है हमारा मीटरिंग के लिए, अलग अलग कोर्स आती हैं इसमें एक्चुअली, तो हम चाहे तो इसको मीटरिंग में यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे मीटरिंग कोर हैं, और अगर हमारी स्पेशल क्लास प्रोटेक्शन सीटी है तो हम चाहे तो अपने रिले में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन। सीटी का काम होता है जो भी हमारा करंट चल रहा होता है हमारे सिस्टम में, जो हम ऑनलाइन मेजर नहीं कर सकते, एचटी में करंट की वैल्यू होती है, अगर हमें उसको कम, अब देखिए रिले में लेके जाना है तो हम एचटी की सप्लाई तो नहीं लेके जा सकते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं सीटी, या फिर मीटरिंग में भी हम लोग सीटी की सप्लाई यूज़ करते हैं, डायरेक्ट एचटी केबल नहीं ले जा सकते हैं इसलिए सीटी लगाई जाती है। अगर ये 500x1 की सीटी है तो अगर 500 एम्पियर आपका प्राइमरी साइड में चल रहा होगा तो सेकेंडरी में आपका 1 एम्पियर बताएगा, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी रिले ऑपरेट करती है। ऐसे ही पीटी का भी है, अगर हमारी पीटी है 11 kV/110/√3 तो ये हमारी 11 kV को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करके दिखाएगी। इसका भी पर्पस यही होता है मीटरिंग का, और अगर हम चाहें तो इसको अंडर वोल्ट ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है मास्टर ट्रिप रिले। देखिए मास्टर ट्रिप रिले का मेन रोल ये होता है कि अगर एक तो हमारा पहचान होनी चाहिए, मान लीजिए कोई ट्रिपिंग आई है तो ये मैनुअल ही रीसेट होती है, जिससे कि सामने जो इंजीनियर होता है उसको एक्नॉलेज हो जाता है कि हमारी रिले अभी ट्रिप हो रखी है, और पता चल जाता है कि कोई फॉल्ट आया हुआ है या फिर। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल होती है,
उसमें हम सारी रिलेज, मान लीजिए तीन चार टाइप की रिलेज लगी हैं, वो सारी रिलेज की ट्रिपिंग हम इसमें नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एक इंटीग्रेट कर देते हैं अदर रिलेज के साथ में, जिस और इसका जो आउटपुट होता है वो हम दे देते हैं अपने ट्रिप सर्किट में। मतलब ये है कि अगर हमारा कोई भी ट्रिपिंग आएगी, साथ में हमारी मास्टर ट्रिप जरूर ट्रिप होगी, मास्टर ट्रिप रिले जरूर ट्रिप होगी, और इसको मैनुअली रीसेट करके हम लोग हेल्दी करते हैं और पता चल जाता है कि कोई ट्रिपिंग आई है। इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। नेक्स्ट है TCS रिले। देखिए TCS रिले का काम होता है, हमारे जो ट्रिप सर्किट होते हैं ST पैनल में, दो ट्रिप सर्किट होते हैं, फर्स्ट ट्रिप और सेकंड ट्रिप। ओके, फर्स्ट ट्रिप होता है हमारा AC पे, सेकंड ट्रिप होता है हमारा DC सर्किट। तो इन रिलेज, जो हमारा फर्स्ट ट्रिप सर्किट होता है उसको TCS रिले जो है मॉनिटर करती रहती है हमेशा, और आउटपुट देती है TCS रिले को। अगर हमारा कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन होगी तो हमारी TCS रिले ट्रिप हो जाएगी और हमारे ब्रेकर को भी ट्रिप कर देगी। तो कहने का मतलब यह है कि TCS रिले एक तरीके का सुपरविजन रिले होती है। नेक्स्ट है हमारे सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच हमारे इसमें दो टाइप के यूज़ होते हैं, एक होता है हमारा TNC स्विच और एक होता है हमारा लोकल और रिमोट का स्विच, वो भी सेलेक्टर स्विच ही होता है। तो इसका काम ये होता है कि अगर हमें लोकल में ब्रेकर को ऑन ऑफ करना है तो हम सेलेक्टर स्विच को ऑपरेट करेंगे, लोकल में ले लेंगे, रिमोट को अगर रिमोट में करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा PLC के थ्रू हम इसको ऑपरेट करा सकते हैं सर्किट ब्रेकर को। अब बात आती है यहाँ पे TNC स्विच और एनर्जिएटर और एमरजेंसी स्विच, ये तीनों हम समझेंगे। देखिए ये होता है हमारा TNC स्विच। TNC स्विच अगर हमें मैनुअली ब्रेकर को क्लोज करना है तो हम इस ब्रेकर को, TNC स्विच को ऐसे ऑपरेट करेंगे, जो ये नॉब है वो यहाँ पे आ जाएगी, क्लोज पे ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। ट्रिप करना होगा तो इसको हम इसको ऐसे क्लोज, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट करेंगे तो हमारा ब्रेकर जो है ट्रिप हो जाएगा। न्यूट्रल पोजीशन में हमेशा रहता है ये ऑपरेशन करने के बाद में। अगर हमें रिमोट में चलाना है तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, TNC स्विच का इतना ही रोल रहता है। ये हमारा इमरजेंसी स्विच है, इसके पीछे एक NC कॉन्टैक्ट होता है, जैसे ही इमरजेंसी स्विच प्रेस करते हैं ये NC का NO हो जाता है, सप्लाई जा रही होती है हमारी क्लोजिंग कॉइल को, उसमें हमारा एक ट्रिप इमरजेंसी स्विच भी सीरीज में होता है, तो जिसकी वजह से हमारा ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। और एनन्शिएटर का रोल ये होता है कि अगर हमारा कोई भी फॉल्ट आया है, कोई सप्लाई मिस हुई है, तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा और बताएगा कि कोई प्रॉब्लम है सिस्टम में, फिर उसको एक्सेप्ट करके उसको रिसेट करना पड़ता है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ HT पैनल। देखिए इंटरव्यू में अगर आपसे वर्किंग के बारे में पूछा जाता है तो जितनी भी अभी स्टोरी हमने डिस्कस करी है वो सब आप बता सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्किट ब्रेकर के ऑन ऑफ से लेकर के सप्लाई रिसीव करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर रिलेज के फंक्शंस। कैन ब्रेक ऑफ सर्किट ब्रेकर होता है, प्रोटेक्शन के लिए हम रिलेज यूज़ करते हैं, मीटरिंग के लिए मल्टी फंक्शंस मीटर यूज़ करते हैं। तो ये इंटरव्यू के लिए कंप्लीट आंसर बन जाएगा अगर आप इसका पूरा फंक्शन बता देंगे तो। नेक्स्ट है व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन फॉर HT पैनल। देखिए अब जो सप्लाई है HT वो 6.6 KV, 11 KV और 33 KV, मतलब कि इतनी हाई वोल्टेज है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो केवल और केवल डेथ ही उसका रिजल्ट है, मतलब बहुत ही किस्मत वाला होगा जो बचेगा, इसलिए उसके लिए सेफ्टी मेजर्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट किए जाते हैं। SLD बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि हमें पता चलना चाहिए कि कहाँ से सप्लाई आई है, कहाँ को जा रही है, मतलब कि सिस्टम पूरा सिस्टमेटिकली होना चाहिए हमारा पूरा सिस्टम, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ब्रेकर्स लगे हुए हैं, उनका क्या रोल है। नेक्स्ट है हमारा रेस्क्यू हुक। रेस्क्यू हुक हमारा एक ऐसा हुक होता है जो हम हमेशा HT पैनल के पास में रखना चाहिए, अगर कोई एक्सीडेंट का केस होता है तो इस हुक से हम उस इंसान को खींच के बचा सकते हैं, बाकी ये जो है इंसुलेटेड पार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्चार्ज रोड। देखिए डिस्चार्ज रोड एक ऐसी रॉड होती है जो कि हम तीनों फेज के लिए अलग अलग यूज़ करते हैं, जब हम शटडाउन लेते हैं या फिर कैपेसिटर में भी हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए, या फिर हम HT ब्रेकर में भी ब्रेकर के पोल्स पे उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम ये डिस्चार्ज रॉड्स यूज़ करते हैं। इसमें जो ये केबल निकली होती है ये हम लगाते हैं अर्थिंग साइड में तीनों पोल्स के, और इसको हम फिर यहाँ पर दूर से टच करते हैं इसको और लेंथ बढ़ा करके, जिसकी वजह से हमारा जो लीकेज होता है हमारे ब्रेकर में
चाहे वो कैपेसिटर की वजह से हो या खुद जो भी हमारा लीकेज करंट हो, वो सब हमारा अर्थिंग में चला जाता है। फिर हम इसको हाथ लगा सकते हैं आफ्टर डिस्चार्जिंग। और इस कंडीशन में भी ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो हमारी सप्लाई है वो ऑफ होती है, तो ही हम इसको डिस्चार्ज रॉड को यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप लाइव सप्लाई में आप ये डिस्चार्ज रॉड लगा देंगे तो बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। तो प्लीज़ बी सेफ। नेक्स्ट है हमारा, डोंट टच द अनइंसुलेटेड पार्ट आफ्टर जस्ट आफ्टर स्विचिंग। देखिए जैसा कि अभी बताया कि जो हमारे अनइंसुलेटेड पार्ट होते हैं, मतलब कि जो हमारे मेटल पार्ट्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लीकेज रह ही जाता है इतनी हाई वोल्टेज पे, तो उसको हम बिना डिस्चार्ज करे हम टच नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें हैंड ग्लव्स भी यूज़ करने चाहिए अगर हमने ब्रेकर पे कोई काम करना है तो। शॉक ट्रीटमेंट चार्ज इमीडिएट, अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर चार्ज इंडिकेट होने चाहिए वहाँ पर। पैनल कीज़ होनी चाहिए जिससे कि कोई भी उसको ऑपरेट नहीं कर पाए, उसके लिए अलग से सेपरेट कीज़ होती हैं। डोर लॉक्स होते हैं, वो सेफ्टी इंश्योर करने के बाद ही हमें ब्रेकर पे काम करना चाहिए। अगर हमारा ब्रेकर शट डाउन में है तो उसको प्रॉपर लॉक देना चाहिए। फिर हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें ब्रेकर वन, मान लीजिए ए और बी और सी तीनों सेम दिख रहे हैं, ओके, इस पर कुछ भी नहीं लिखा है, अगर हमें ए बंद करना है तो हम बी और सी बंद कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी और कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। या फिर अगर ऑन करना है तो अगर बी ऑन करना है हम ए ऑन कर देंगे, और वहाँ पर अगर कोई एक कोई भी वर्कर काम कर रहा है वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। ब्रेकर को ऑपरेट करते हैं या फिर उसको ब्रेकर को क्लोज़ करते हैं या ओपन करते हैं तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार सोच के ही ब्रेकर का TNC स्विच घुमाना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोटेक्शंस यूज फॉर एचटी पैनल्स। देखिए जैसा कि अभी डिस्कस किया है कि हमारे एचटी पैनल में बहुत सारे फॉल्ट्स का सामना करना पड़ता है एचटी पैनल को, तो उसमें जो हमारे मोटर्स लगी हैं या फिर हमारे ट्रांसफार्मर्स लगे हैं तो उनमें अलग अलग तरीके के फॉल्ट्स आते हैं जिनके लिए अलग अलग प्रोटेक्शन यूज़ की गई है। ये एक हमारा एचटी मोटर प्रोटेक्शन के ऊपर पूरा वीडियो है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इसमें देखिए एचटी पैनल में थर्मल ओवरलोड, अर्थ फॉल्ट, फेज अनबैलेंस, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, लॉक्ड रोटर, बेयरिंग फेलियर, ये सारे के सारे प्रोटेक्शंस हमारे यूज़ किए जाते हैं। बेयरिंग फेलियर तो हमारा PLC में आता है, बट बाकी सारे प्रोटेक्शंस हमारे रिले में यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही अगर हम ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन की बात करें तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ओवर करंट, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, OTI, WTI मतलब ऑयल टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर, ओवर फ्लक्सिंग, बकोल्स रिले, PRB, MOG के लिए अलार्म, ट्रिप, ये सारे के सारे हमारे HT पैनल्स में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ये भी एक वीडियो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।